नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेमेड ऐप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक और विषय के साथ में आप सभी के बीच में हाजिर हैं। विषय काफी अच्छा है कि अगर आप एक न्यूज़ पोर्टल बनवाने जा रहे हैं तो न्यूज़ पोर्टल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट डिजाइनिंग और मीडिया से रिलेटेड कई सारी जानकारी विस्तार से और व्यवस्थित रूप से आपको मिल पाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के एक न्यूज़ पोर्टल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, उस बिंदु को आप ध्यान रखें। पहला होता है कि एक आपका जो भी न्यूज़ पोर्टल हो उसका नाम एक यूनिक नाम और एक अच्छा नाम होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो मीडिया से रिलेट करे। कई लोग न्यूज पोर्टल बनवाने के लिए कुछ भी, मान लीजिए अपने नाम के हिसाब से नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है अनुराग दुबे, तो मैंने अपने न्यूज पोर्टल को बनवाना है तो मैंने अपना नाम रख लिया न्यूज पोर्टल का, अनुराग न्यूज पोर्टल। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है? जब लोगों के पास आपका न्यूज पोर्टल जाएगा वो बोलेंगे अनुराग न्यूज। अब अनुराग न्यूज क्या होता है? तो दोस्तों आपका कोई भी नाम ऐसा हो जो मीडिया से कहीं ना कहीं रिलेट करे, उसकी छवि किसी के सामने भी नाम सुनने में आए तो उस पे तुरंत ही नाम सुनती एक मीडिया का मतलब दिमाग में पिक्चर बन जाए। जैसे हमारे न्यूज पोर्टल का नाम है ई मीडिया लाइव मध्य प्रदेश, तो ई मीडिया लाइव तो कितना मतलब सुनने में पावरफुल नाम लगता है। ऐसे कई सारे, मान लीजिए जैसे आज तक, इंडिया 24, इस तरह से नाम। तो आपका एक पहली चीज तो नाम काफी अट्रैक्टिव और आकर्षक होना चाहिए। अब बात आती है कि आपका जो न्यूज पोर्टल हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होता है? तो दोस्तों मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है कि ये एक डिजाइन का पैटर्न होता है, एक लेटेस्ट डिजाइन का पैटर्न है जिसमें आप आपके न्यूज पोर्टल का जो कंप्यूटर में देखते हैं तो उसका डिजाइन आपको कुछ अलग दिखाई देता है, मतलब कंप्यूटर के आकार का दिखाई देता है। जब आप उस न्यूज पोर्टल को अपने किसी टेबलेट में ओपन करते हैं तो उसका आकार और डिजाइन भी चेंज हो जाता है। जब आप उसको मोबाइल में ओपन करते हैं तो उसका मोबाइल, उसका जो साइज है डिजाइन, वो मोबाइल के अकॉर्डिंग हो जाता है। ताकि क्योंकि अधिकतर यूजर मोबाइल पे समाचार पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में काफी आसानी हो। अगर मान लीजिए जो डिजाइन कंप्यूटर पे दिख रहा है वही डिजाइन आपको मोबाइल पे दिखेगा तो आपको बार बार जूम कर करके चीजें पढ़ना पड़ेगी और काफी परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में आकार हर बार बदल जाए हर मोबाइल के हिसाब से, तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसको मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन भी बोलते हैं, ये डिजाइन आपके पोर्टल में होना चाहिए। अब बातें आती है एक आसान एडमिन पैनल। एडमिन पैनल क्या होता है? एडमिन पैनल होता है जहां से आप समाचार लगाते हैं। तो दोस्तों एक एडिटर के लिए, एक न्यूज राइटर के लिए, जब वो समाचार उस पोर्टल पे लगाए तो मान लीजिए आपको 50 ऑप्शन मिल गए, यहाँ पे ये करो, वहां पे वो करो, याद रखो हर चीज को ध्यान देके, तो क्या होता है कई बार आप अधिकतर समाचारों में गलतियां हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपको जो समाचार लगाने का पैनल हो वो काफी आसान हो और आसानी से बहुत जल्दी समाचार लग जाए। तो दोस्तों ऐसा इजी पैनल होना चाहिए। अब बात आती है कैटेगरीज। कैटेगरी क्या होती है? जब आप किसी समाचार पोर्टल को ओपन करते हैं तो उसमें आता है ना देश विदेश, सिटी, फिर आता है क्राइम, फिर आता है खेल, राजनीति, शिक्षा, ऐसे अलग अलग ये जो कैटेगरीज हैं। तो एक कैटेगरी जब आप पोर्टल बनवाते हैं तो आपको एक लिमिटेड कैटेगरी जो भी है वो बनाकर दी जाती है, डिफॉल्ट कैटेगरीज जो होती है। पर मान लीजिए आपको न्यूज पोर्टल चलाते चलाते 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना हो गया, उसके बाद में कुछ कुछ कैटेगरी आपको और बढ़वाना हो, तो आप हर बार डेवलपर को फोन करके उनसे एडिट करवाने के बजाय कि ऐसा ऑप्शन हो कि आप जितनी कैटेगरियां बढ़ाना चाहते हैं आप खुद ही अपने मन से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड कैटेगरी। तो ये सुविधा होना चाहिए। अगर आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से, मैं आपको बताते भी जाऊं, ये जितनी सुविधा मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सुविधा आपके पोर्टल में होना तो चाहिए, और यही सभी सुविधाओं के अतिरिक्त भी कई सारी सुविधाएं और हैं जो खास खास है, उसको लेकर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। बाकी इन सभी सुविधाओं और इनसे अतिरिक्त कई सारी सुविधाएं अगर आप पाना चाहते हैं तो पास में दिए गए नंबर पर संपर्क करके ई मीडिया वेब एंड ऐप से न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। यहाँ से आपको बेहतरीन सर्विस के साथ में, बेहतरीन फीचर्स के साथ में न्यूज पोर्टल बनाकर दिया जाएगा। अब अगले बिंदु की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए कि आप मान लीजिए अगर कंप्यूटर से समाचार तो लगाएंगे पर मोबाइल से भी समाचार लगा पाएं। मोबाइल से इसलिए कि मान लीजिए अगर कोई घटना आपके सामने हुई है, आप तुरंत समाचार लगा के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अब आपके पास समय कम है, आप ऑफिस जाएं, कंप्यूटर पर बैठे या अपने घर जाके कंप्यूटर मोबाइल ऑन करें और उस पर से समाचार लगाएं, ऐसी स्थिति में आपके पास मोबाइल पे भी ऐसी सुविधा होना चाहिए कि आप किसी भी जगह से किसी भी समय तुरंत समाचार लगा दें जो पोर्टल पर लग जाए और लोगों तक पहुंच जाए, तो कितनी अच्छी सुविधा होगी दोस्तों। तो ये सुविधा भी आपके न्यूज पोर्टल में होना चाहिए। अगली बात आती है सोशल मीडिया शेयरिंग टूल।
जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग एक्टिव रहते हैं, जिसपे से भी वो समाचार पढ़ते हैं। तो आपके न्यूज़ पोर्टल पे हर समाचार के साथ में इतने शेयरिंग, जितने जो आजकल नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सभी शेयर के ऑप्शन होना चाहिए ताकि आसानी से आप अपने समाचार को इन सभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाचारों से जुड़ सकें। अगली बात आती है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। जी हाँ, मतलब आपके न्यूज़ पोर्टल पर जो आपके, चूंकि आपने जो न्यूज़ पोर्टल बनवाया है उसका आप फेसबुक पेज भी बनाएंगे, उसका आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, उसका आप ट्विटर पेज भी बनाएंगे, तो ये सभी पेजेस भी, यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे, ये सभी आपके सारे प्लेटफॉर्म्स भी आपके न्यूज़ पोर्टल से ही लिंक हो। अगर कोई आपका समाचार पढ़े तो वो वहीं से इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सके, उन सभी से कनेक्ट हो सके। तो ये भी एक चीज़ होना चाहिए, जैसे बोलते हैं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। अगली बात आती है पोस्ट व्यू काउंट। दोस्तों ये काफी आवश्यक फीचर होता है पोस्ट व्यू काउंट। प्रत्येक समाचार को कितने लोगों ने पढ़ा, ये लोगों को भी पता चलना चाहिए और आपको भी पता चलना चाहिए। तो उससे पॉपुलैरिटी, समाचार की कौन सी कैटेगरी हाईलाइट हो रही है, कौन सी पॉपुलर हो रही है, वो भी आपको पता चलते जाता है। तो हर समाचार के ऊपर आपको पता चल जाए कि इसको कितने लोगों ने पढ़ा, एक ये फीचर होना चाहिए। अगला आता है न्यूज कॉपी प्रोटेक्शन। जी हाँ, क्या होता है कई लोग आपके समाचार को कॉपी कर लेते हैं। आपने इतनी मेहनत से समाचार तैयार करा, इतनी रिसर्च करके समाचार तैयार करा और कई लोग उसे आसानी से कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा फीचर हो जिससे आपके पोर्टल से कोई समाचार कॉपी नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये कितनी अच्छी बात होगी। तो ये फीचर भी आपके पोर्टल में अवेलेबल होना चाहिए। ई मीडिया वेब एंड ऐप से अगर आप पोर्टल बनवाते हैं तो ये फीचर भी आपको मिलता है। अगली बात आती है विजिटर काउंटर। जिस तरीके से आप, अभी मैंने इससे पहले बताया आपको पोस्ट व्यू काउंट, मतलब कितने लोगों ने समाचार पढ़ा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आप अपने पोर्टल से अर्निंग भी करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आपके पोर्टल पर प्रतिदिन कितने लोग आते हैं, कल कितने लोग आए थे, इस हफ्ते में कितने लोग आए थे, इस महीने में कितने लोग आए थे और पूरे साल में कितने लोग आए थे और अभी तक टोटल कितने लोग आपके समाचार पोर्टल पर आ चुके हैं, समाचार पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, आप मार्केट में आपकी छवि बनाने को लेकर, आप मार्केट से विज्ञापन लेने के लिए और कई अलग अलग संस्थाओं में ज्वाइन करने के लिए ये जो विजिटर मीटर है ये आपके काफी काम आता है। तो दोस्तों ये फीचर भी आपके पोर्टल पर होना चाहिए। अगली बात आती है कैलेंडर सर्च ऑप्शन। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन फीचर होता है। मतलब एक कैलेंडर की सहायता से आप प्रतिदिन के हिसाब से कितने समाचार लगे हैं, मान लीजिए जैसे एक न्यूज़पेपर में आपको मान लीजिए 10 तारीख का समाचार ढूंढना है, आज 20 तारीख हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको पुराना समाचार ढूंढने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी पोर्टल पे इतने सारे समाचारों में से। काश कोई ऐसा ऑप्शन हो जहाँ से आप आसानी से दिन के हिसाब से समाचार ढूंढ पाए, तो वो कैलेंडर सर्च ऑप्शन होता है, वो भी होना चाहिए आपके पोर्टल पे। अगली बात आती है सर्च बार और ब्रेकिंग बार। दोस्तों सर्च बार होता है कि इतने सारे समाचारों में मान लीजिए अगर आपको कोई समाचार आसानी से ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है, तो एक सर्च बार अवेलेबल होना चाहिए जहां से आप अपने विषय के हिसाब से कीवर्ड सर्च करके और उस समाचार को ढूंढ पाए। तो सर्च बार होना चाहिए। और होता है ब्रेकिंग बार, जो भी ब्रेकिंग खबरें, जो लेटेस्ट खबरें चल रही हैं, जो आपके पोर्टल पर लगी हैं, वो जैसे ही कोई पोर्टल ओपन करे तो ऊपर की तरफ ही स्क्रॉल होती है, एक पट्टी चलती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ के हेडलाइंस उस पर चलती रहती हैं, वो होना चाहिए। वो काफ़ी आकर्षक चीज़ होती है और उससे लोगों को जल्दी समाचार की हेडलाइन पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है और वो सीधे वहीं से समाचार पर जा सकते हैं, वो भी होना चाहिए। कमेंट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि कोई भी आपके किसी भी समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सके, अपनी प्रतिपुष्टि दे सके, उस समाचार को लेकर कुछ बात कह सके, तो एक कमेंट का ऑप्शन होना चाहिए कि सामने वाला वहां पर कमेंट कर सके। फिर एक ऑप्शन होता है संपर्क या इंक्वायरी के लिए। मान लीजिए अगर आपके न्यूज़ पोर्टल के थ्रू कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, कुछ सुझाव देना चाहता है, कोई समाचार देना चाहता है, कोई शिकायत देना चाहता है, ऐसी स्थिति में संपर्क का पेज प्लस उसमें एक संपर्क का फॉर्म भी होना चाहिए जहाँ से आपको लोग आपसे जुड़ सकें। अगली बात आती है एक रिलेटेड न्यूज़ का ऑप्शन। क्या होता है, आपको अपने पोर्टल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पोर्टल पे आए तो समाचार पढ़ें। ऐसी स्थिति में जब वो आप एक समाचार पढ़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में वो सिस्टम जो आपका न्यूज़ पोर्टल का सिस्टम है, वो सिस्टम ही पाठक को 3 से 4 समाचार, 5 से 7 समाचार और दिखाएं कि आप ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पाठक है उसके मन में उत्सुकता बढ़ती है कि अच्छा इसमें ये समाचार भी है, ये समाचार भी है, या ऐसे कलात्मक समाचार भी है, इतने लोकप्रिय समाचार भी हैं, तो उससे आपके व्यूज बढ़ते हैं और आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ती है। एक आता है
जो भी समाचार आप लगा रहे हैं उस पे समय, किस समय को समाचार लगा है, किस दिन को समाचार लगा है, वो दिनांक भी होना चाहिए। तो समय और दिनांक ये विशेष आपके न्यूज पोर्टल के ऊपर होना चाहिए कि आपको पता रहे प्लस पाठक को पता रहे कि यह समाचार कितने तारीख को लगा है और कितने समय पर लगा है। अपडेट्स की बात आती है, अपडेट्स के लिए इन विषयों पर मैंने पुराने भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, आने वाले भी कुछ वीडियो हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर वेबसाइट और मीडिया से रिलेटेड। तो आती है अपडेट्स की बात, आपके न्यूज पोर्टल में जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको आपके न्यूज पोर्टल पर जहां से आपने बनवाया है, जिस कंपनी से है, जिस डेवलपर से बनवाया है, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देते रहे आपके पोर्टल को लेकर। जो नए टिप्स और ट्रिक्स आते हैं वो भी आपको देता रहे, और सबसे अच्छी बात यह हो कि ये सभी आपको फ्री मिले तो काफी अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि फ्री मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। और ये जो फीचर होते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स होती है काफी महंगी होती है, और महंगी चीजें अगर फ्री में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। दोस्तों, फ्री में आपको बिल्कुल मिलती है और मिल सकती है, जो कि ई मीडिया वेब एंड ऐप आपको इस तरह के सभी अपडेट्स फ्री देता है। तो अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाने का मन में विचार कर रहे हैं तो ई मीडिया वेब एंड ऐप पे जो नंबर पास में आपको दे रखे हैं, यहां से संपर्क करके आप बेहतरीन और बेस्ट सर्विस वाला न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। अब बात आ जाती है सबसे आवश्यक अंतिम, जो मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, फीचर तो कई सारे और भी हैं पर जो खास खास थे कि जो आपके न्यूज पोर्टल में होना चाहिए वो सभी मैंने आपको बता दिए। और एक अब अंत में जो बात आती है कि सबसे आवश्यक और अच्छा अच्छी मतलब बात यह होना चाहिए आपके पोर्टल में कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम हो वो काफी बेहतर हो। आप जहां से न्यूज वेबसाइट बनवा रहे हैं वो अनुभवी लोग हों, वो टीम प्रोफेशनल हो और जानकार हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं से सस्ते और जल्दी के चक्कर में या किसी बड़ी कंपनी का भी सोचकर काम करवा लेते हो और सपोर्ट सिस्टम आपको टाइम पे सर्विस नहीं दे पाता तो दोस्तों सारी आपकी मेहनत धरी के धरी रह जाती है और कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में आप जहां से भी न्यूज पोर्टल बनवाएं, चूंकि हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि न्यूज पोर्टल स्पेशलिस्ट ई मीडिया वेब एंड ऐप से आप न्यूज पोर्टल बनवाएं, ताकि आपको टाइम पर अपडेट्स इन वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से कई सारी जानकारी और फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलती रहे। पर आप जहां से भी बनवाते हैं आपको सपोर्ट सिस्टम काफी व्यवहारिक, फास्ट और बेहतरीन होना चाहिए, प्रोफेशनल के साथ में अनुभवी और जानकार। तो दोस्तों ये सब वही बातें थी जो आपके न्यूज पोर्टल में होना चाहिए। कई लोगों ने हमें कमेंट किया था, कई लोगों ने मैसेज किया था कि इस पर एक वीडियो बनाया, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के बीच में था। अगर आपको न्यूज पोर्टल बनवाने का विचार कर रहे हैं, बेहतरीन न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, कई सारी सुविधाएं पाना चाहते हैं, तो आप ई मीडिया वेब एंड ऐप के साथ जुड़कर वेबसाइट न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं, जहां से आपको टेक्निकल सपोर्ट के साथ में कई सारी चीजें भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें या व्हाट्सएप करें 7999906109 पर।